अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एकदम यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ और रेसिपी का नाम है चिकन यकनी पुलाव। चिकन यकनी पुलाव तो हर कोई बनाता है, लेकिन मैं समथिंग न्यू करने वाली इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन ले लिया है, तो ऑयल को डाल देंगे। यहाँ पर मैं 1.5 किलो चिकन और 1.5 किलो राइस का यखनी पुलाव बना रही हूँ। तो सबसे पहले ऑयल डाल दिया, कुछ बेसिक गरम मसाले, यहाँ पर साजीरा है, लौंग, इलायची, दालचीनी और स्टार्ट फूल है, इन्हें डाल देंगे। थोड़ा सा इनका जो फ्लेवर है रिलीज़ होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद 2 अनियन को कट करके डाल देंगे। अभी हमें इनका एक पेस्ट बनाना है। जैसे कि यहाँ पर जीरा है, अदरक, लहसुन, मिर्ची है और 3 बड़ी इलायची है। इन्हें पेस्ट बना लिया मैंने और इनको भी इसमें डाल देंगे। हल्का प्याज को ब्राउन करते हुए ये पेस्ट को डाल के और मिक्सर जार को धोते हुए पानी को डाल देंगे इसके अंदर और इसे थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए। गैस को आपने फास्ट नहीं रखना है, मसाले जलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो पुलाव में जलावा टेस्ट आ सकता है। तो इस तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसे भूनने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मसाले भुन चुके हैं। इसे और एक बार मिक्स दे देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो मसाले भुन चुके हैं। अभी हम गैस को कर देंगे स्लो। इसमें हम डाल देंगे 1 बाउल भर के गाढ़ा दही। ये देखिए एकदम मीठा दही है, बिल्कुल ही खट्टा नहीं है। तो 1 बाउल दही डाल के इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने गैस को एकदम स्लो रखा है। इसके बाद हम डाल देंगे 1.5 kg चिकन। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ में कट कर लिए चिकन को। अब ये सारे चिकन को हम इसमें डाल देंगे यखनी के मसालों में। अभी हम पोटैटोज़ को भी डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिर सॉल्ट को डाल देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अभी हमें बगैर ढक्कन लगाए हुए इन्हें अच्छे से भून लेने 5 मिनट तक। एकदम कंटिन्यूसली हमें भूनते रहना है ताकि जो रॉनेस है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। मसाले का तो रॉनेस ख़त्म हो चुका है। इस तरह से 5 मिनट भूनते हुए हम ढक्कन लगा के अगेन हम इन्हें 5 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैंने 1.5 kg राइस और 1.5 kg चिकन लिया है। तो यहाँ पर मैं इंडिगेट का लॉन्ग ग्रेन राइस को यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो, अगर आप फर्स्ट टाइम ये पुलाव बना रहे हो, यानी कि मेरी मेथड वाला पुलाव बनाओगे, तो आप ज़रूर कोलम राइस को यूज़ करें अगर फर्स्ट बना रहे हो तो। नहीं तो फिर वैसे तो सब हर कोई एक्सपर्ट है इसके अंदर, तो आप बासमती राइस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई नहीं यहाँ पर फर्स्ट टाइम बना रहे जो मेरे मेथड ट्राई करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं ज़रूरी बताऊँगी कि आप लोग कोलम राइस ही यूज़ करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हम राइस यूज़ करते हैं वो कभी कभी एकदम सॉफ्ट होके फूल जाता है, तो वो एकदम खिला खिला नहीं बनता है। इसलिए मैं आप लोग को ये सजेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने पानी यहाँ पर डाल दिया था तो वो वीडियो मेरा स्किप हो गया हाथ से। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चिकन और 1.5 किलो राइस के हिसाब से 1 लीटर पानी को डाल दिया इसके अंदर। अगेन मैं यहाँ पर है ना मिल्क को लिया है, ये मेरा ट्विस्ट है इसके अंदर डालने का, ये कुछ मेरा नया मेथड है। तो यहाँ पर मैंने हैवी फुल फैट मिल्क को लिया है विद मलाई। ये ऑलरेडी गर्म हो चुका था तो यहाँ पर मैंने अगेन गर्म करने के लिए रख दूँगी मलाई के साथ में, ठीक है। तो एक हमें पुलाव में जो है एक क्रीमी टेक्सचर मिलेगा और टेस्ट में तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप बटरी टेस्ट आप फील करोगे, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो यखनी में हमारा बॉयल आ चुका है। तो हम दूध को जब भी लास्ट में ऐड करेंगे, आप देखते जाइए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से बॉयल आ चुका है यखनी में। तो ये स्टेप में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने राइस को ना 10 मिनट्स के लिए भिगो दिया था, अभी हमें ज़्यादा नहीं भिगोना है। तो मेरा राइस भिगो के साइड में रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चने दाल को इस तरह से बॉयल करके लिए, थोड़ा सा कसर छोड़ दिया बॉयल होने के लिए। अब ये भी इनमें ऐड कर देंगे हम, और थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पर मैंने राइस को भिगो दिया था, तो ये राइस को भी इनमें ऐड कर देंगे। हमारे एकनी में अच्छी सी बॉईल आ रही है अभी, और दूध भी मेरा साइड में अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ये सारे राइस को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी को ही सिर्फ ऐड किया है, 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो चिकन, अगेन मैं बोल रही हूँ, इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम मिल्क को ऐड करते हैं ना तो ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है, तो इस हिसाब से हमें पानी को कम ही ऐड करना है और चावलों को कम ही भिगोना है, ठीक है। तो अभी हम विद मलाई के साथ में हम सारे दूध को इसमें डाल देंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको लोग लगेगा ये दूध तो इसमें नमक है, मसाले है, मतलब फट सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। तो आप बने रहे वीडियो में एंड तक, तो मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो एकदम यकनी में ये दूध जो है यकनी में पूरा मिल जाता है, घुल जाता है एकदम, बिल्कुल ही जैसे मतलब दही टाइप, फटेगा नहीं, बेफिक्र आप इन्हें बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है, कुछ नया बनाना, अपना अपने घर वाले को खिलाना, तो उसकी मज़ा ही कुछ और होती है। आप लोग ज़रूर इन्हें ट्राई करना। अब कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने मिल्क को डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स भी कर लूँगी, और जब बॉईल भी आएगा तो मैं आप बता दूँगी कि ये फटता है या नहीं फटता है। तो अभी हम ढक्कन लगा के इन्हें बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। जब भी पानी पूरा ड्राई हो जाएगा उसी बाद ही हम इन्हें दम पे दे सकते हैं। तभी मैं आप लोगों के यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर पूरा ऑलमोस्ट मतलब पानी ख़त्म होने के लिए आया, थोड़ा बहुत ही बचा है। तो यहाँ पर देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर आ चुका है, हमारे यखनी में वाइट वाइट सा हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ, बिल्कुल ही ये फटा नहीं है हमारा यखनी, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आपको लगेगा एकदम स्वीटनेस टाइप इसका टेस्ट रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर ग्रीन चिल्ली भी काट के डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक का जो पेस्ट बनाया था उसमें ज़्यादा मैंने चिल्ली को ऐड किया था, और वो बहुत थिकी थी। आप अपने हिसाब से थिक्के को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, एकदम देखिए बिल्कुल ही नहीं फटा है ये। अभी हम इन्हें ढक के रख देंगे, पूरा पानी सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो पानी सूख चुका है। अभी हम इन्हें दम लगा देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो अभी आप देख सकते हो 20 से 25 मिनट हो चुका है, एकदम परफेक्टली हमारा जो है चिकन यखनी पुलाव बन के तैयार हो चुका है। तो मैंने अनियन को फ्राइड करके रख दिया था ऊपर से, गार्निशिंग के लिए ऊपर से डाल देंगे, एकदम ज़बरदस्त पुलाव बन के तैयार हो जाती है। आप लोग इन्हें ज़रूर ट्राई करना अपने घरों में, ज़रूर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी ये पुलाव बन के एकदम तैयार हो चुका है, लेकिन आप इन्हें अभी नहीं सर्व करना, 10 या 15 मिनट के बाद इन्हें सर्व करें, तो इसकी मज़ा कुछ और ही होती है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं आपको मिलती हूँ एक अच्छी रेसिपी के साथ। आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहना और कमेंट भी करते रहना, तो मुझे बहुत अच्छा। स्पेशली आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है तो मुझे ज़रूर फीडबैक देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।